रुको रुको, इनकी ऐसी तैसी मारने की हिम्मत कैसी भी, मार मार इनको मार। अरे यार ये लोग ना भाई वार पे वार कर भाई, ये लोग ना बहुत ज्यादा गन वगैरह शूट कर रहे भाई। सीरियसली क्या तगड़ा कार लग रहा है, माँ कसम बवाल भाई, ये देखो भाई क्या तबाही मचा, देखो भाई सीरियसली। सो हेलो गेमर्स, कैसे हो आप सभी लोग। तो आज हम दोबारा से प्ले करने वाले हैं गैंगस्टर न्यू ऑर्लींस। जैसा कि आप लोगों को याद होगा, इन द लास्ट एपिसोड मैंने चोरी किया था बैंक में, जहां पर मुझे जैक्सन ड्यूक के खिलाफ बहुत सारी इन्फॉर्मेशन फाइल मिल गई थी कि जैक्सन ड्यूक एक फेक पुलिस ऑफिसर है। एंड उसके बाद वो वाला फाइल ना मैंने डिक्स को दे दिया था कि वो फाइल कहीं सेफ जगह ले जाकर रख दे। लेकिन भाई सब अभी ना जैक्सन ड्यूक को पता लग गया है कि वो सब फाइल हमने बैंक से चुरा लिया है। तो जैक्सन ड्यूक ना अपने बहुत सारे बंदों को भेजा है डिक्स को मारकर उस फाइल को लेने के लिए। और बदकिस्मती से डिक्स जिस बोट में जा रहा था ना, उस बोट का पूरा गैस खत्म हो गया, जिसके वजह से भाई सब उसका बोट ना बीच रास्ते में अटक गया है। तो बेसिकली अभी हम जाने वाले हैं डिक्स और उस फाइल को बचाने के लिए, जिसके लिए हमने भाई पूरा बैंक में चोरी किया था। और हाँ, अगर आपको ये वाला गेम प्ले ज्यादा समझ में नहीं आता है तो इसके लिए मैं ना इस गेम का प्लेलिस्ट डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, तो आप जाके चेक कर लेना, उसके बाद से इस वाले गेम का स्टोरी आपको पूरा समझ में आ जाएगा। तो चलो यार बिना किसी देरी के फटाफट वीडियो स्टार्ट करते हैं। बाकी भाई सब जरा ये वाली कार देखो, क्या तगड़ा कार लग रहा भाई, सीरियसली देख रहे हो कितना ज्यादा प्यारा कार लग रहा भाई। यार ये वाला कार मुझे दे दो भाई, प्लीज यार दे दो भाई। तरीका है भीख मांगने का क्या? डिक्स भाई चल कार में बैठ, फटाफट अभी चलते हैं मिशन के लिए। बैठ बैठ जल्दी से, बैठ 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 जल्दी। हाँ ठीक है ठीक है, अभी चलो अपना डिक्स बैठ चुका ना, अभी हम चलते हैं स्मिथ को ढूंढने के लिए, आखिरकार उसका बोट कहाँ पर फंसा हुआ है। और हाँ आज देखो भाई, ये देखो दिन क्या प्यारा दिन हो रखा भाई, देख रहे हो भाई डे का मिशन करने में बहुत ज्यादा मजा आ जाता है। लेकिन रुको 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 रुको, बस बस मुझे ना इधर से लेफ्ट लेना था, मैं थोड़ा आगे आ गया, रुको रुको इधर से थोड़ा लेफ्ट लेते हैं। यहीं पे बोट वगैरह है क्या स्मिथ का? लेट्स सी, अभी देखते हैं कहाँ पर उसका बोट वगैरह है। अच्छा बेसिकली ये देखो ना, जैक्सन ड्यूक के गैंग वगैरह आ गए हैं स्मिथ को मारने के लिए। बाकी मुझे उस सामने वाले बोट में जाना पड़ेगा। रुको यहाँ पर कितने सारे बंदे हैं, एक बंदा ये रहा, रुको रुको मैं इसको ये गाड़ी से बैठ के मार ही देता हूँ। अरे हरामखोर चल चल यहाँ से निकल। और कोई अबे, हाँ अबे इधर रहा भाई, मैंने इसको देखा ही नहीं, हट यहाँ से हरामखोर। एक और बंदा है क्या इधर? हाँ ये देखो ये छुपा है, अरे सुअर कहीं के। चलो चलो यहाँ से निकलते, अभी और कोई बंदा है क्या इधर? अरे ये भाई मोटा हरामखोर शॉटगन लेके आएगा, हट तेरी बक। तू रोकेगा मेरे को? चल जा रोक ले बेटा। चलो ये गया, ये गया बहुत बढ़िया। बस अब ये बोट में फटाफट बैठ के निकलते हैं, देखते हैं अभी स्मिथ का बोट कहाँ पर फंसा हुआ है। ये देखो बोट कितना ज्यादा प्यारा लग रहा है, मतलब बोट भी काफी ज्यादा सही है इन लोगों ने दे रखा है। चलो ये ज्यादा लोकेशन तो ज्यादा दूर नहीं था वैसे, बस यही मुझे पास ही आना था। रुक जा रुक जा रुक जा, यही आना था ना। ओ वेट भाई कहाँ कूदा दिया बे बोट, रुक जा रुक जा रुक जा। क्या गुंडा बनेगा रे तू? और भाई भाई किधर है, किधर है, किधर गया डिक्स किधर? हाँ ये देखो ये रहा अपना डिक्स भाई, ये देखो ये रहा अपना डिक्स। और इसके साथ में कौन है बंदा बे, ये गाइडरी कौन है बे? मैं नहीं बताऊंगा। ओ वेट रुक रुक रुक, ये देखो जैक्सन ड्यूक के बंदे भी आ चुके। रुक रुक, इनकी ऐसी तैसी मारने की हिम्मत कैसी भी, मार मार इनको, मार इनको मार, बहुत बढ़िया मार मार मार। ये लो एक गया, एक गया, बस एक और बाकी, इसको मारना जरूरी, ये भी गया। चलो चलो टाटा बाय बाय, सब लोग खत्म हो गए। और अभी हमने देखो डिक्स को बचा लिए है, वो भी पूरा फाइल के साथ। अच्छा हमको सिखा रहा है। तो गाइस यार जैसा कि आप सब देख सकते हो, यहाँ पर ना अपने पूरा टीम बातचीत कर रहा है। बेसिकली यहाँ पर गाइडरी कह रहा है कि जैक्सन ड्यूक ना अभी किसी ऐसे बंदे से मिलने वाला है जो उसको ना अभी के लिए हमारे टीम और गवर्नमेंट से उसको बचा सकती है, क्योंकि भाई उसका फेक फाइल ना हमारे पास है और उसको डर है कि यहीं उसका नौकरी चला ना जाए। बट अभी के लिए हम में से किसी को नहीं पता है कि जैक्सन ड्यूक आखिरकार किससे मिलने वाला है और कहाँ मिलने वाला है, एंड उसकी पूरी टीम किस मंडली में मीटिंग वगैरह करेंगी, ये तो आगे पता चलेगा। लेट्स सी अभी देखते हैं क्या कुछ सीन होने वाला है। लेकिन भाई साहब मामला अभी बहुत ज्यादा खराब हो चुका है। ओके ओके ओके, अभी फटाफट चलते हैं, देखते हैं आगे क्या कुछ सीन होने वाला। बस मुझे देखो मुझे गाइडरी को फॉलो करना पड़ेगा, गाइडरी कितने तेज भागा रहा है। अरे यार ये लोग ना भाई वार पे वार कर भाई, ये लोग ना बहुत ज्यादा गन वगैरह शूट कर रहे हैं भाई, बेसिकली मेरा ये बोट कहीं फूट ना जाए यार, दिक्कत हो जाएगी नहीं तो। ये बड़ी अच्छी बात कही यार। अबे कहाँ जा रहा भाई यार, सीरियसली भी कहाँ जा रहा है बे? ये देखो पता नहीं कौन सी गली खुबारे में जा रहा है, ये तो मुझे पता भी नहीं है। मुझे इधर से कहाँ जाना पड़ेगा, आई थिंक लेफ्ट। देखो बस मुझे यही आना था ना, वो उन दोनों गुंडों से बचकर। ठीक है समरिया। और राइट गेमर्स, अभी अपना मिशन कंप्लीट हो गया है। तो बेसिकली यहाँ पर अपना पूरा टीम बातचीत कर रहा है कि आखिरकार पता कैसे लगा है कि जैक्सन ड्यूक किससे मीटिंग करने वाला है। तो इसके लिए ना हमारे पास एक और टीममेट है जो पता लगा लेगा कि आखिरकार जैक्सन ड्यूक कहाँ मीटिंग करने वाला है। तो जैक्सन ड्यूक का लोकेशन का पता ना मैरी करने वाली है। अगर आप मैरी को नहीं जानते तो मैं बता दूं, मैरी हमारे गैंगस्टर टीम की एक हिस्सा है जो कि वो ना लोकेशन वगैरह पता करने में बहुत ज्यादा माहिर है। तो बेसिकली मैरी ना जैक्सन ड्यूक के मीटिंग का लोकेशन पता करने वाली है, एंड देन उसके बाद वो हमको कुछ इन्फॉर्मेशन वगैरह बताएगी। लेकिन इससे पहले हमको ना मैरी से बात करना पड़ेगा, उसको सारा सब कुछ मामला वगैरह बताना पड़ेगा, एंड ये सब बातचीत ना हम अपने अगले वाले मिशन में करेंगे। तो चलो यार अभी फटाफट चलते अपने दूसरे वाले मिशन पर। The next day. All right, गेमर्स, अपना दूसरा वाला मिशन स्टार्ट हो गया है।
और भाई साहब स्क्रीन पे जो ये आप देख रहे हो ना, ये एक टाइप का व्हीकल है जिसका उपयोग कार्निवल फेस्टिवल के लिए मनाया जाता है। और यार मुझे नहीं पता ये कार्निवल फ्लोट फेस्टिवल होता क्या है। तो हाँ, अपने सिटी में ना कुछ बाइकर्स की गैंग है, तो बेसिकली बाइकर गैंग है ना बहुत सारे पैसा वगैरह चुरा कर इस वाले व्हीकल में छुपा कर ले जा रहे हैं, जिससे किसी को शक वगैरह ना हो और कार्निवल फेस्टिवल भी सही तरीके से हो जाए। तो गाइस यार जैसा कि आप सबको पता ही होगा, अपने गैंगस्टर टीम ओरलियन सिटी का सबसे बड़ा गैंगस्टर है और हमारे होते हुए बाइकर्स गैंग ना पैसा वगैरह चुरा कर कार्निवल फेस्टिवल को उपयोग नहीं कर सकते। तो इसके लिए ना मुझे उस कार्निवल वाले व्हीकल को चुराना पड़ेगा, जिससे उसमें जितना भी पैसा वगैरह होगा ना सब कुछ अपना हो जाए और उसके बाद भाई साहब वो बाइकर गैंग को खत्म करना होगा। क्योंकि भाई देखो, अगर सिटी में सबसे बड़ा कोई गैंगस्टर है ना तो अपना टीम है, तो मैं नहीं चाहता मेरे अलावा कोई और गैंगस्टर टीम आए। बाकी हाँ भाई साहब, जरा तुम ये वाली कार देखो, व्हाट ए कार भाई, सीरियसली क्या तगड़ा कार लग रहा है, मां कसम बवाल। तो भी काम करते, फटाफट चलते कार्निवल फ्लोट को चुराने के लिए। बाकी वेट, अबे इतना सारा भीड़ क्यों है बे, इधर रुको 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 रुको, अबे हर जा हराम को, देख रहे इतना सुपर कार है फिर भी। भाई कार्निवल फ्लोट यही कहीं से गुजरा था, लेकिन मुझे नहीं पता अभी कार्निवल फ्लोट है कहाँ, और इधर ही किधर ही तो हो सकता है। ये देखो यही तो रहा भाई भाई भाई, यही तो है कार्निवल फ्लोट बे, देख रहा हूँ कितना ज्यादा सही लग रहा भाई, सीरियसली कितना ज्यादा प्यारा तो नहीं, लेकिन हाँ ऐसा मतलब थोड़ा डरावना टाइप लग रहा है। देख रहा हूँ आगे इसका जोकर वाला मुंह लटका दिया है, बाकी इसमें यहाँ बहुत सारे पैसे वगैरह है, ये बाइकर गए ना पैसे वगैरह चुरा के इसमें रख दिए हैं ताकि किसी को पता वगैरह ना चले। लेकिन हाँ भाई अपने को पता चल गया, अभी मैं ये पूरा फ्लोट चुराने वाला हूँ। बाकी काम करते हैं, अपना गाड़ी को यहीं पार्क करते हैं भाई, मुझे गाड़ी छोड़ने का मन नहीं कर रहा, लेकिन हाँ चलो अभी इसको छोड़ना पड़ेगा फटाफट। अभी काम करते हैं इसको चुरा लेते हैं, अभी इसमें बैठने का ऑप्शन है क्या? हाँ ठीक है, ये देखो अरे बैठ भाई, रुक जा, ठीक है बैठ तो गया। ये देखो अभी ये वाला बंदा निकल गया, ओके ठीक है, मुझे लोकेशन मिला है, बस मुझे सेफली उस लोकेशन तक मुझे पहुंचना पड़ेगा। तो डिक्स एंड स्मिथ ने मुझे भी लोकेशन भेज दिया, बस मुझे उसी वाले लोकेशन पर जाना पड़ेगा, एंड देन उसके बाद यहाँ पर जितने सारे पैसा वगैरह होगा सब कुछ हम चुरा लेंगे इजिली। पैसा ही पैसा होगा। ठीक है अभी मैं आ चुका अपने मेन वाले लोकेशन पे, मुड़ जा। ओ ठीक है मुड़ गया, चलो फाइनली। और ये देखो हम ना अभी मेन वाले लोकेशन पर आ चुके हैं और इसमें से जितना सारा पैसा वगैरह था सब हमने चुरा लिया है। और इसमें भाई अभी देखो डिक्स ना पूरा बॉम्ब वगैरह लगा दिया है, ये देखो पैसे की जगह बॉम्ब इसलिए लगा है ना ताकि देखो ये जो कार्निवल है ना इसको हम ना ये बाइकर गैंग के ऑफिस पहुंचाने वाले हैं, और ये वाली गाड़ी को ना हम मतलब बाइकर्स के गैंग के जाके ऑफिस में रख देंगे और उसके बाद उनका ऑफिस डिस्ट्रॉय कर देंगे। अभी हम तीनों के तीनों इस वाली गाड़ी में बैठे हैं, लेकिन हम बैठे किधर है अभी दिख भी नहीं रहा भाई। इसको चलाना सच में बहुत ज्यादा मुश्किल है, इतना ज्यादा लोकेशन दूर है कि मैं इसको पहुंचाऊंगा कैसे, मुझे तो समझ में नहीं आ रहा भाई। रुको, इसको संभालना सच में काफी ज्यादा मुश्किल है। देखो ये खंभा तोड़ते जा रहा भाई, सीरियसली बस ये सही सलामत पहुंच जाए। और भाई मैं पहुंच भी गया हूं, बस मुझे यहीं तक आना था, बस देखो यहीं तक मुझे आना था और इसके बाद वेट मुझे और दूर जाना यार, मुझे लगा यही तक आना था, लेकिन नहीं। चलो एक काम करते हैं, फटाफट लेके चलते हैं यार, बस थोड़ा पीछे, बस अभी तो मुझे थोड़ा आगे लेना पड़ेगा। अरे रुक जा यार, इसको सच में मां कसम बता रहा हूं संभालना बहुत ज्यादा मुश्किल है। चलो मैं आ चुका, ये देखो अभी देखो हमने गाड़ी वगैरह सब, भाई ये देखो भी क्या तबाही मचा, देखो भाई सीरियसली ये देखो भाई, हमने बाइकर गैंग का पूरा ऑफिस सब कुछ डिस्ट्रॉय कर दिया है पूरा बढ़िया तरीके से। भाई डिक्स क्या बंदा था यार, इसमें बॉम्ब वगैरह लगा के सारे गैंग को मार दिया है, और मुझे जहां तक लगता है ना अभी हम सेफ हैं, मतलब अभी हमारे इस सिटी में अभी हमारे साथ कोई और गैंग वगैरह नहीं है। भाई इस मिशन में हमने उस व्हीकल को चुरा लिया था, जिस मिशन में बाइकर गैंग के बंदों ने चोरी करके पैसे रखा था, और हमने चुरा करके ना उसमें बॉम्ब वगैरह लगा दिया और उस गाड़ी को बाइकर गैंग के ऑफिस में ला के रख दिया ताकि उसका ऑफिस डिस्ट्रॉय हो जाए और उसके साथ उसका सारा कुछ डेटा वाटा मिट जाए, जिससे बाइकर गैंग सारा सब कुछ फ्लॉप वगैरह हो जाए। और राइट गेमर्स, अपना दोनों का दोनों मिशन सक्सेसफुल हो गया है। तो गेमर्स इसके नेक्स्ट वाले वीडियो में मैरी हमको ना जैक्सन ड्यू का लोकेशन बताएगी कि आखिरकार वो मीटिंग कहां पर कर रहा है और किसके साथ कर रहा है, और उसके बाद जैसे ही हमको लोकेशन वगैरह पता चलेगा ना वैसे ही हमारी पूरी टीम जैक्सन ड्यू को घेर लेंगे और उसके बाद वहीं पर हम उसको मारकर उसका सारा खेल समाप्त कर देंगे। तो चलो यार आज का वीडियो एंड करते हैं, अगर वीडियो पसंद आएगा तो वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना, एंड इसका नेक्स्ट वाला वीडियो बहुत ज्यादा क्रेजी होने वाला है, तो प्लीज उसको देखना मत भूलना। तो चलो यार मिलेंगे किसी और दिन किसी और वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।